तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा आप नहीं जानते रहेंगे तो सामने वाला हथियार के जरिए आपको मतलब कि कैसे एक प्रहार से आपको गिरा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लाठी के प्रहार से कैसे बचा जाए और इसके साथ ही साथ कि दुश्मन के हथियार को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब कि कैसे दुश्मन से बचना है, अपनी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सीधे आसानी से आपको आसान स्टेप बताने वाला हूँ कि दुश्मन के प्रहारों को कैसे रोका जाए और प्लस दुश्मन के हथियार को कैसे अपने कब्जे में ली जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला स्टेप, चलो अटैक करो। वन, पहले आपको दोस्तों ब्लॉक करना है, ऐसे ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे डंडे को ग्रिप करना है। ग्रिप करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड से सीधा आपको दोस्तों यहाँ उसके सेकेंड हैंड नीचे वाले हैंड में आपको यहाँ पे ऐसे ग्रिप करना है। ग्रिप करने के बाद दोस्तों आपको उसमें हल्का सा कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा टिल्ट करना है, यानी कि हल्का सा इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। खींचने के बाद दोस्तों ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। आने के बाद में दोस्तों इस पोजीशन में आने के बाद दोस्तों आपको आसानी से आप उसको ऐसे भी अटैक कर सकते हैं, फिर ऐसे भी अटैक कर सकते हैं, जैसे मन चाहे आप उसको मार सकते हैं। तो दोस्तों ये था आसानी से मतलब कि दुश्मन के हथियार को कैसे रोका जाए प्लस अपने कब्जे में कैसे ली जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।